दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिलवाल। पब्लिक डिमांड कर रही है कि पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाइए, और सरकार क्या कर रही है, रोजमर्रा की जरूरतों के सामान से लेकर मुसीबत के हालात तक आपदा में अवसर देखा जा रहा है, कमाई कर रही है सरकार। जब कोई आदमी अस्पताल जाता है दोस्तों, तो बड़ी बीमारियों में कई बार मिडिल क्लास और गरीब लोगों को भी महंगे अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है, और कई परिवार तो कर्ज में ये सब कुछ करते हैं। अब सरकार ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया है, क्योंकि 5,000 से ऊपर वाले बेड पर जीएसटी लगा दिया गया है, जिसके बाद बीजेपी के ही सांसद वरुण गांधी ने पब्लिक की मजबूरी का फायदा उठाने पर कहा, 800 आवश्यक एवं आम उपयोग वाली दवाइयों के दामों में वृद्धि के बाद अब अस्पतालों में इलाज भी महंगा हुआ, रोटी महंगी, कपड़ा महंगा, मकान महंगा, और अब इलाज महंगा हुआ। स्वास्थ्य और शिक्षा तो बुनियादी आवश्यकता है, महंगाई के बोझ तले दबे आम आदमी को राहत कब मिलेगी, आत्ममंथन की जरूरत है। दोस्तों वरुण गांधी का यह बयान सरकार को वाकई आईना दिखाता है, क्योंकि पब्लिक टैक्स इसीलिए देती है ताकि देश की सरकार कम से कम शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बेसिक चीजें, बेसिक मुद्दों पर काम करे। लेकिन यहाँ तो स्वास्थ्य से जुड़े मुद्दे पर भी टैक्स लिया जा रहा है। ऊपर से बीजेपी नेताओं की बेशर्मी देखिए, जिसमें पोस्टर बनाकर यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि 5,000 से ऊपर वाला बेड तो अमीर लोग इस्तेमाल करते हैं। ऐसे लोगों को कभी बड़े निजी अस्पताल में जाकर देखना चाहिए, जहां पर सरकारी अस्पताल में ठीक से इलाज नहीं मिल पाता है, और मजबूरी में कई ऐसे लोग हैं, आपके घर में भी हुआ होगा ऐसा, कि रिश्तेदारों को जाना पड़ता है मजबूरी में। मिडिल क्लास लोग होते हैं, लोअर मिडिल क्लास लोग होते हैं, जिनको प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है, और 5,000 तो मिनिमम दाम होते हैं, और अगर आप ICU वगैरह में एडमिट भगवान ना करे हो जाएं, तो फिर तो और खर्चा हो जाता है। कई हेल्थ एक्सपर्ट्स भी इस मुद्दे पर ये कह चुके हैं कि सरकार के इस फैसले से मिडिल क्लास के लिए हालात पहले से ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। ऐसे में कहना कि अमीर लोग ही महंगे बेड्स का इस्तेमाल करते हैं, बेशर्मी से ज़्यादा और कुछ नहीं है, क्योंकि अस्पताल में अमीर हो या गरीब, कोई पिकनिक मनाने नहीं जाता है, शौक पूरा करने नहीं जाता है। जब कोई रास्ता नहीं बचता है ना, तब आदमी मरीज जो होता है या उसके ईमानदार होते हैं, उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाते हैं। ऐसे में महंगाई के इस दौर में कम से कम स्वास्थ्य सेक्टर को तो मोदी सरकार को कमाई का मौका नहीं बनने देना चाहिए था। आप वरुण गांधी के इस बयान से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिएगा। और दोस्तों चैनल को ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, और अब यूट्यूब में हमें थैंक्स का भी ऑप्शन दे दिया, जिसके जरिए आप हमारे फ्री जर्नलिज्म को सपोर्ट कर सकते हैं।